हेलो लर्नर्स वेलकम टू एजुकेशनल चैनल इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को एन टी नेट पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी जो भी टॉपिक और लेसन मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी वो न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा आज की इस वीडियो पर हम लोग क्रिक पैट्रिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो डील करता है यूनिट फाइव का सेक्शन सी से तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला पॉइंट देखिए दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन फोर लेवल्स मतलब ये जो क्रिक पैट्रिक मॉडल है वो फोर लेवल्स के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट पॉइंट है एंड इवेलुएट करिकुलम प्रोग्राम मतलब ये क्रिक मॉडल इवेलुएट करती है करिकुलम की हर एक प्रोग्राम को दिस मॉडल ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट ट्रेनिंग इवेलुएशन मतलब ये मॉडल एक्सप्लेन करती है हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की इवेल्युएशन को मतलब ये जो क्रिकपैट्रिक मॉडल है इस का मेन ऑब्जेक्टिव है करिकुलम की हर एक प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना उसके साथ-साथ करिकुलम प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना ठीक है यही है क्रिक पैट्रिक मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव चलिए हम लोग जो फोर लेवल्स है उन सारी लेवल्स को इन डिटेल्स में पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन तो फर्स्ट जो लेवल है वो है रिएक्शन लेवल रिएक्शन लेवल का मतलब क्या है हर एक इंडिविजुअल की रिएक्शन को इवेल्युएट करना चलिए इसको हम इन डिटेल्स में देखते हैं इवेल्युएट हाउ इंडिविजुअल रिएक्ट टू द ट्रेनिंग मॉडल मतलब उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की थ्रू हर एक इंडिविजुअल की हर एक पार्टिसिपेंट की क्या रिएक्शन है उन सारे रिएक्शन को यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा तो यहाँ पर किसको इवेलुएट किया जाएगा हर एक इंडिविजुअल की हर एक पार्टिसिपेंट की हर एक स्टूडेंट की जो रिएक्शन है उन सारे रिएक्शन को यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू मगर कैसे किया जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन question. Question पूछते हुए यहां पर हर एक रिएक्शन को इवेलुएट किया जाएगा ठीक है अब रिएक्शन का मतलब क्या है चलिए उसके बारे में जानते हैं फर्स्ट रिएक्शन होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर एक पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है उन सारी पार्टिसिपेंट का सैटिस्फेक्शन लेवल फुलफिल हो रहा है या नहीं इन सारी चीजों को देखा जाएगा अब सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे फुलफिल होगा जब हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट हर एक स्टूडेंट का नीड हर एक स्टूडेंट का कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन सारी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा तभी सेटिस्फेक्शन लेवल उनका इंक्रीज होगा तो सैटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज करने के लिए हर एक इंडिविजुअल की इंटरेस्ट नीड एंड कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस करना होगा तभी सेटिसफैक्शन लेवल फुलफिल होगा नेक्स्ट देखिए क्या है एंगेजमेंट एंगेजमेंट का मतलब क्या है देखिए जब हर एक स्टूडेंट उस प्रोग्राम या ट्रेनिंग के अंतर्गत सभी चीज़ों में एक्टिव होगा तभी उसको हम एंगेजमेंट कहेंगे तो एंगेजमेंट कैसे होगा जब सेटिसफैक्शन लेवल फुलफिल होगा तभी हर एक स्टूडेंट उन सारी प्रोग्राम में एंगेज होगा हर एक एक्टिविटी पर एक्टिव रहेगा ठीक है लास्ट क्या है देखिए लास्ट है रिलीवेंस अब रिलीवेंस का मतलब क्या है सीखी हुई नॉलेज को किसी न्यू सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना करने को ही हम रिलीवेंस कहते हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा हर एक इंडिविजुअल कैसे सीखी हुई नॉलेज को किसी न्यू सिचुएशन में इंप्लीमेंट कर रहा है उसी चीज़ को यहाँ पर इवेल्युएट किया जाएगा तो यहाँ पर इ थ्री चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की इंटरेस्ट नीड एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सारी प्रोग्राम को सेटअप किया जाएगा उसके थ्रू जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो फुलफिल होगा नेक्स्ट है एंगेजमेंट जब सेटिस्फैक्शन लेवल फुलफिल होगा तब हर एक बच्चा उन सारी प्रोग्राम के अंतर्गत हर एक एक्टिविटी में एक्टिव होगा एंड एंगेज होगा एट लास्ट होगा रिलीवेंस रिलीवेंस का मतलब क्या है किसी सीखी हुई नॉलेज को जब न्यू सिचुएशन में इंप्लीमेंट किया जाएगा उसको हम रिलीवेंस कहते हैं ठीक है, है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेवल है वो है लर्निंग लर्निंग लेवल का मतलब क्या है चलिए जानते हैं फर्स्ट है द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट एक्वेट द इंटेंट नॉलेज स्किल एटीट्यूड कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन इन द ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू वो जो भी डिग्री को गेन किया है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या है यहाँ पर डिग्री का मतलब है उनका नॉलेज उनका स्किल उनका एटीट्यूड उनका कॉन्फिडेंस एंड उनका कमिटमेंट इसका मतलब ये जो नॉलेज स्किल एटीट्यूड कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट है इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा तो लर्निंग मॉडल लर्निंग जो सेकेंड लेवल है यहाँ पर मेजर किया जाएगा किसको को यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा लर्निंग को मतलब लर्निंग के अंतर्गत जो भी नॉलेज स्किल एटीट्यूड कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट है इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा मगर कैसे हम लोग इवेलुएट करेंगे उसके लिए कुछ टूल्स एंड प्रोसीजियर की भी ज़रूरत होती है चलिए उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं सेकेंड लेवल पर इवेल्युशन करने के लिए जो भी टूल्स की जरूरत होगा वो है ऑब्जर्वेशन एसेसमेंट एंड स्कोरिंग इस तीन चीज़ों के थ्रू हम लोग इवेलुएट करेंगे पहले तो ऑब्जर्वेशन होगा ऑब्जर्वेशन के थ्रू सारे स्टूडेंट्स एंड उनकी पीयर्स एंड इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा तो यहाँ पर पीयर्स एंड स्टूडेंट की जो नॉलेज स्किल एटीट्यूड कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट है इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा उसके साथ साथ जो भी टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है उन सारी इंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की थ्रू तो वैल्यूएट किया जाएगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन के अंदर भी नॉलेज स्किल एटीट्यूड कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट होती है तो यहाँ पर पीयर्स एंड इंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा सेकेंड पॉइंट क्या है देखिए असेसमेंट मतलब स्ट्रेटेजी वाइज असेसमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसके थ्रू हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेलुएट किया जा सके मतलब जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है वो किसकी अकॉर्डिंग होगा हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम गोल की अकॉर्डिंग यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा तो यहाँ पर हर एक प्रोग्राम किसकी अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश होगा लर्न गोल की अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश होगा अब नेक्स्ट हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवेल्यूएट करना होगा असेसमेंट असेसमेंट के थ्रू थ्रू पर किया जाएगा इवेल्युएट करते हुए देखा जाएगा कि ये गोल की अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं ठीक है एट लास्ट स्कोरिंग की जरूरत होगा स्कोरिंग की जरूरत होगा क्योंकि स्कोरिंग के थ्रू हम लोग हर एक चीज को डिटरमाइन कर सकेंगे क्लियर और एक बात मैं बताना चाहूँगी देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लेवल था रिएक्शन लेवल रिएक्शन लेवल पर हम लोग कैसे इवेलुएट कर रहे थे क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर हम लोग इवेलुएट कर रहे थे और सेकेंड जो लर्निंग लेवल है वहाँ पर हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे ऑब्जर्वेशन की थ्रू हम लोग इवेलुएट करेंगे यही छोटी छोटी चीज़ की एग्जाम में आ जाती है इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लेवल ट्रांसफर लेबल तो चलिए ट्रांसफर लेबल के बारे में जान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट है देखिए इट एनाइसिज द डिफरेंस इन द पार्टिसिपेंट बिहेवियर एट वर्क और आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम इसका मतलब यहाँ पर एनालाइसिस किया जाता है किसको एनालिस किया जाएगा हर एक पार्टिसिपेंट हर एक इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट की बिहेवियर को यहाँ पर एनालिस किया जाएगा कब एनालसिस किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू भी एनालाइसिस किया जाता है नहीं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर एनालाइसिस किया जाता है तो यहाँ पर हर एक पार्टिसिपेंट की बिहेवियर को एनालाइसिस किया जाएगा थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इसका मतलब यहाँ पर क्या है लर्नर्स समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के थ्रू यहाँ पर बिहेवियर को एनालाइसिस किया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है बिहेवियर इज डिफाइंड एज द एक्सटेंड टू वी चेंज इन बिहेवियर हैजर्ड आफ्टर द पार्टिसिपेंट हैव द ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जो भी बिहेवियर में चेंजेस आई है उन सारी चेंजेस को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है कि हर एक पार्टिसिपेंट के अंतर्गत कैसा चेंजेस आई है डिजल चेंजेस आई है या नहीं ये जो सारी चीज़ है इन सारी चीजों को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है नेक्स्ट क्या है देखिए बी श्योर टू प्रोसेस दैट इनकरेज री एंड रिवर्ड मतलब पॉजिटिव चेंजेस को आने के लिए यहाँ पर इनकरेज किया जाता है री किया जाता है एंड रिवर्ड दिया जाता है क्यू रिवर्ड एंड री एंड एनकरेज किया जाता है जिससे हर एक पार्टिसिपेंट की बिहेवियर के अंतर्गत पॉजिटिव चेंजेस आए इसीलिए यहाँ पर इनकरेज, री एंड रिवर्ड दिया जाता है इसीलिए इस लेवल को हम रिक ड्राइवर्स भी कहते हैं ठीक है, है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो फोर्थ लेवल एंड लास्ट लेवल है वो है रिजल्ट मतलब आउटकम चलिए इट डिटरमाइंस द ओवरऑल सक्सेस मतलब यहां पर इवेल्युएट करके क्या डिटरमाइन किया जाएगा ओवरऑल सक्सेस को देखा जाएगा ऑफ द ट्रेनिंग मॉडल बाय मेजरिंग फैक्टर मतलब यहाँ पर हर एक फैक्टर को इवेल्युएट किया जाएगा हर एक चीज को फैक्टर को हर एक चीज को इवेलुएट करने के बाद यहाँ पर ओवरऑल सक्सेस क्या निकल कर आया है उसको डिटरमाइन किया जाएगा तो जो फोर्थ लेवल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा ओवरऑल सक्सेस को डिटरमाइन करना ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या है फोकस ऑन आउटकम यहाँ पर किसके ऊपर फोकस किया जाता है आउटकम के ऊपर क्योंकि ओवरऑल सक्सेस कब आएगा आउटकम के बाद ही ओवरऑल सक्सेस आएगा इसीलिए आउटकम पर फोकस किया जाएगा फोकस ऑन आउटकम एज ए रिजल्ट ऑफ द लर्निंग इवेंट एंड सब्सिक्वेंट रि एनफोर्समेंट मतलब लर्निंग इवेंट एंड रि एनफोर्समेंट के दौरान जो भी चीज हुई है उसके बाद आउटकम क्या निकल कर आया है उन चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा ठीक है तो लर्नर्स यहीं पर खत्म होता है आज का लेसन लेसन अच्छी लगी तो रेट रिव्यू लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा थैंक यू फॉर लिसनिंग मी बाय बाय